राग पीलू। राग पीलू की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इस राग में दोनों गंधार यानी शुद्ध ग और कोमल ग तथा दोनों निषाद यानी शुद्ध नी और कोमल नी प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह और अवरोह में सात सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद यानी नी है। इसका गायन समय दिन का तीसरा प्रहर है। राग पीलू के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह। नी सा गा रे गा मा पा नी दा पा सा। और अब सुनिए अवरोह। इस राग की पकड़ इस प्रकार है। नी सा रे मा ग रे सा नी सा। अब प्रस्तुत है राग पीलू की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई। सा ग रे ग ग रे सा रे नी नी सा प ग रे सा सा ग रे ग ग रे सा रे पा गरी सा नी पा नी नी सा सा गा मा पा गरी सा नी पा नी नी सा सा गा मा पा गरी सा सा गरी गा गरी सा रे नी नी सा पा गरी सा सा गरी गा गरी सारी नी नी सा पा गरी सा। अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। ग म प नी सा नी सा नी धा प म नी धा प ग म प नी सा नी सा नी धा प म नी धा प रे म प नी धा प म ग सा ग म प ग रे सा रे म प नी धा प म ग सा ग म प ग रे सा सा ग रे ग ग रे सा रे नी नी सा प ग रे सा सा ग रे ग ग रे सा रे नी नी सा प ग रे सा। अभी आपने सुनी राग पीलू की स्वर मालिका। अब
इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना सुनिए। बोल है दिन का पंछी उड़ता जाए। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई। दिन का पंछी उड़ता जाए, दिन का पंछी उड़ता जाए, और शाम की मुड़ता जाए, और शाम की मुड़ता जाए, दिन का पंछी उड़ता जाए, दिन का पंछी उड़ता जाए। अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा। अभी आपने सुनी राग पीलू की स्वर मालिका, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना। परियोजना परिकल्पना एवं मार्गदर्शन प्रोफेसर पी के भट्टाचार्य, अनुसंधान इंद्रदेव प्रसाद, काव्य रचना द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी और प्रभुदयाल खट्टर, विषय परामर्श संगीत एवं गायन हरभजन सिंह, उमा गर्ग, राकेश पंडित और कुमार मुखर्जी, तबला वादन जगदीश कुमार और सुखमय, तानपुरा वादन शेर सिंह, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, सह निर्माण दाऊदयाल चतुर्वेदी, निर्माण रमेश रानी शर्मा और वंदना अरिमर्दन तथा विषय समन्वय निवेदन एवं कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर।